हाय फ्रेंड्स, चलिए आज देखते हैं फाइंड द स्क्वायर बिटवीन 42 60। ठीक है, 40 और 60 के बीच के संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। बिल्कुल आसान मेथड से, ट्रिक से, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, 100% समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं 49 का स्क्वायर है। ठीक है, 49 का स्क्वायर निकालने के लिए इसको देखना है, ये 50 है। ठीक है, और ये 50 से कितना कम है, ये 50 से अगर देखें तो 1 कम है। बस ये ट्रिक को एक बार समझना है। ठीक है, 50 से 1 कम है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये 50 का हाफ कर देना है। 50 का हाफ कितना होता है, तो 25 होता है। और ये 1 जो है यहाँ पर माइनस करना है, और जितना यहाँ पर माइनस किए हैं उसी का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, एकदम सिंपल है। 25 में 1 माइनस कर देंगे कितना आएगा, 24। ठीक है, और 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आता है लेकिन दो डिजिट में लिखेंगे, 01 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं इसी तरह से ये 47, इसी तरह से बिल्कुल करते हैं। यहाँ पर 50 का नियर में इसीलिए लिख दिया, 40 से 60, 50 के नजदीक वाले संख्याओं को बस सिंपल है कि आधा कर देना, 50 का आधा 25, और जितना कम रहेगा 50 से या जितना ज्यादा रहेगा, कम रहेगा तो और कम कर देना है, ज्यादा रहेगा तो 25 से ज्यादा कर देना। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये 50 से कितना कम है, 7 कम है, तो 50 का आधा 25, 25 में 7 कम कर देंगे। ठीक है, 25 में 7 कम कर देंगे जिसका कितना आ जाएगा, 18, और 7 कम किए हैं तो 7 का स्क्वायर ये 49 हो गया। ठीक है, लास्ट में दो डिजिट लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे आगे 54, यहाँ पर इसका और भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया रहेगा 46। ठीक है, 46 का स्क्वायर अगर बोलेंगे तो 50 से कितना कम है, तो 4 कम है ना, ये 50 से 4 कम है, तो 50 का आधा 25, 25 में 4 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 21, और 4 का स्क्वायर बोलेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 21 16। ठीक है, अब आ गया 54 का, 50 से ज्यादा। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर 50 से ज्यादा है, मतलब कि 50 में एड करने पर 54 आ रहा है, 4 एड करेंगे 50 में तब आएगा 54। तो यहाँ पर ये 50 का आधा जो होता है, हाफ जो होता है 25, यानी कि 25 होता है। ठीक है, तो 25 में यहाँ पर अब जोड़ेंगे, 50 से ऊपर चले गए तो जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 ज्यादा था, 25 में 4 जोड़ देंगे, 29 हो जाएगा, 4 जोड़े हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे, 16 हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसी तरह से ये 58 है, 58 है, ये 50 से कितना ज्यादा है, तो 8 ज्यादा है, 50 का आधा लिखेंगे 25। ठीक है, 25 और कितना ज्यादा, 8 ज्यादा, 25 में 8 जोड़ के लिखेंगे 33, 8 जोड़ दिए 33 हो गया, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, ये 64। बताइए आसान है या नहीं है, तो आप यहाँ पर इसका आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, इसी तरह से इसका आंसर आप बताइए कितना होता है, बिल्कुल आसान, इसी तरह से 54 का, 54 का। ठीक है, इसका आंसर बताइए कितना आता है, और इसी तरह से फिर 59 का आंसर बताइए, 59 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।